हाय फ्रेंड, सबसे पहले तो आप सभी लोगों को मेरे तरफ से हाथ जोड़कर धन्यवाद कि आप लोग ने मुझे इस काबिल बनाया कि मैं आप लोग के सामने नए से नया वीडियो पेश कर रहा हूं। आज आपको हम बताएंगे कि हमारे पास ये देख सकते हैं महिंद्रा की गाड़ी एक्सयूवी आई हुई है, तो इसमें कस्टमर का एक कंप्लेन है, तो हम आपको बताते हैं कि क्या कंप्लेन है। अंसारी जी, जरा गाड़ी स्टार्ट कीजिए। तो देख सकते हैं फ्रेंड, ये महिंद्रा की एक्सयूवी गाड़ी है। आपको हम बताते हैं कि इसमें कस्टमर ने क्या कंप्लेन दिया है। देखिए फ्रेंड, इसका इंजन का साउंड देखिए, ये जो टक 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 आवाज आ रहा है। देख सकते हैं फ्रेंड, इसका साउंड सुन सकते हैं आप। तो इसके ये जो साउंड है, जैसा कि फ्रेंड आपने इसका साउंड सुना, तो इसके लिए इस साउंड का जो आवाज़ है, कस्टमर का कंप्लेन हम दूर करने के लिए इसका इंजन बाहर निकालेंगे, क्योंकि हमारा जहां तक तजुर्बा है, इसका जो पिस्टन आता है वो हीट होने के वजह से, गाड़ी इनका हीट हुआ है, हीट होने के वजह से वो माइनस हो गया है। तो हम इसका इंजन बाहर निकालेंगे और हेड ओपन करके पिस्टन का जो थिकनेस आता है उसे हम चेक करेंगे और चेक करके आपको बताएंगे। ठीक है फ्रेंड, तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे अंसारी जी है, इसका इंजन बाहर निकालेंगे। अंसारी जी, चलिए इसका इंजन बाहर निकालना चालू कर दीजिए फटाफट। फिटिंग इंजन ऑयल बराबर है, पानी कम है इसमें। इसका प्रॉब्लम क्या हुआ है फ्रेंड, इसका देख सकते हैं आप, इसका कूलिंग वाटर जो है वो कम है। जैसा कि फ्रेंड आप देख सकते हैं, ये एल्बो है, यहाँ से इनका कूलन लीक हो गया है, ये आप देख सकते हैं। ये जो एल्बो है ये सड़ गया है, ये सड़ने के वजह से यहाँ से कूलन लीक होके और इनका गाड़ी हीट हो गया है। हीट होने के वजह से क्या हुआ है, पिस्टन माइनस में चला गया है। इसके लिए गाड़ी में ऐसा साउंड आ रहा है, तो हम आपको दिखाएंगे इसका इंजन ओपन करके। अभी हम इसका इंजन ओपन करना चालू कर रहे हैं, इंजन ओपन करने के बाद फिर आपको बताते हैं। जैसा कि फ्रेंड देख सकते हैं, हम इसका इंजन ओपन कर रहे हैं। देख सकते हैं फ्रेंड, हमारे अंसारी जी और राहुल जी दोनों इंजन ओपन कर रहे हैं मिलके। अब ये इंजन ओपन होने के बाद, फिर हेड ओपन करने के बाद, फिर हम आपको बताएंगे कि पिस्टन का पोजीशन क्या है, क्या कंडीशन है, उसे चेंज करना पड़ेगा कि क्या करना पड़ेगा। ठीक है फ्रेंड। हाय फ्रेंड, जैसा कि आप देख सकते हैं, हम एक्सयूवी का इंजन बाहर ले रहे हैं। ये हमारे पास हाइड्रोलिक रैम है, देखते इसके द्वारा हम इसे इंजन को बाहर ले रहे हैं। देख सकते हैं इसका गियरबॉक्स भी हमने ओपन कर दिया है, ब्लॉक और हेड दोनों हम साथ में बाहर ले रहे हैं। अब इसे बाहर लेकर हेड ओपन करके, जैसा कि फ्रेंड आप देख सकते हैं, हम इसके एक एक पार्ट छुट्टा कर चुके हैं इंजन के। ये हमारी एक्सयूवी गाड़ी है, अब इसका हम मैनिफोल्ड ओपन कर रहे हैं। ये इनलेट मैनिफोल्ड होता है,
बेसिक पे फ्रेंड एडजस्ट मेनू खोल रहे हैं, जिसे मेनू खोल ओपन करेंगे एडजस्ट मेनू खोल जो आता है ओपन कर दिया है। अब देखिए तो हम उधर रखा हूँ पार्ट्स को, जिसमें ये सारे पार्ट्स इंजन में फिट होते हैं। हमने इसके एक एक पार्ट्स को अलग किया है। अभी अभी हम हेड ओपन करने जा रहे हैं। अभी ये इनलेट मैनिफोल्ड को हम ओपन करेंगे, उसके बाद टाइमिंग कवर निकालेंगे, उसके बाद इसके जो चारों नोजल है उसे ओपन करेंगे, उसमें से टेपिंग कवर निकालेंगे। टेपिंग कवर निकालने के बाद फिर हेड का जो बोल्ट आता है उसे ओपन करके फिर हेड बाहर निकाल के फिर आपको दिखाते हैं। ठीक है फ्रेंड, खाते सारे निकाल चुके हैं। अभी हमारे मैनिफोल्ड बाकी है, टाइमिंग कवर बाकी है, चारों नोजल ओपन करना बाकी है, टेपिंग कवर बाकी है। उसके बाद दोनों कैम को हम ओपन करेंगे, फिर उसके नीचे हेड का बोल्ट आता है, खोल के। हाय फ्रेंड, ये महिंद्रा XUV का इंजन है। इसमें हम आपको एक चीज़ बताते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं हमने इसका इंजन ओपन किया है, तो हम इसका जो इंजन का टाइमिंग है वो आपको बताते हैं कि किस तरह आपको टाइमिंग इसका मिलाना है। जैसा कि फ्रेंड देख सकते हैं ये दोनों जो कैम का पोजीशन है, ये देख सकते हैं ये जो कट है दोनों में, ये दोनों कट को कभी भी टॉप पे रखिएगा और आप एक स्केल रख के इसका जो सेंटर है वो देख लीजिएगा एक लाइन लेवल में है क्या। एक तो ये है और इसको आप फिक्स पाने से भी ये साइड में दोनों सेट कट दिया है, ये देख सकते हैं ये कट और इसके बाजू में ये जो कट है, ये दोनों कट आमने सामने रहना चाहिए। इसमें आप एक फिक्स पाना भी डालकर कि इसका इंजन का टाइमिंग जो है चेक कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, ये हो गया कैम का टाइमिंग और ये यहाँ पे आपको क्रैंक का टाइमिंग दिखाते हैं। ये देखिए ये जो कट है, देख सकते हैं फ्रेंड ये हमारा क्रैंक का टाइमिंग है। इसमें आप 5 का एलंकी या कोई भी कट चीज इसके अंदर डालकर आप लॉक कर सकते हैं। ये क्रैंक का टाइमिंग है। ठीक है फ्रेंड, आपको हमने दोनों इसका टाइमिंग दिखा दिया है, क्रैंक का टाइमिंग है और एक कैम का टाइमिंग है। दोनों हमने ये जो कट जो है कैम में, ये दोनों टॉप पे रखिएगा कभी भी, और ये साइड में भी इसका कट है, ये भी दोनों ऊपर रखिएगा। ठीक है फ्रेंड, अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जैसा कि आप देख सकते हैं हमने XUV का इंजन पूरी तरह से ओपन कर दिया है। ये देख सकते हैं ये इसके दोनों कैम है, ये इसका हेड है, ये इसका चैम्बर है, ये ऑयल स्टेनर है और ये इसका ब्लॉक है। जैसा कि हमने आपको बताया था इसके इंजन में साउंड है, इसको थोड़ा साफ करो। जैसा कि फ्रेंड आप देख सकते हैं ये 4 नंबर का पिस्टन जो है, देखिए कैसा प्ले मार रहा है, इसका साउंड भी सुन सकते हैं आप। 1 नंबर में देख सकते हैं फ्रेंड कोई प्ले नहीं है, हिलाने पे देखिए इसमें प्ले नहीं है, ये 4 नंबर में प्ले है। ये देखिए कैसा प्ले है ये इंजन। ये जो ब्लॉक है, ब्लॉक का जो स्लू है, इसमें पिस्टन जो है थोड़ा माइनस में हो गया है, तो इसके लिए हम ये पिस्टन चेंज करेंगे। आप देख सकते हैं किसी बोर में कोई पकड़ा नहीं है, इसको थोड़ा अंदर नीचे लीजिए, देख सकते हैं फ्रेंड इसमें लाइन आ गया है। ये लाइन हम आपको नज़दीकी से दिखाते हैं, देखिए पिस्टन पकड़ लिया, देख सकते हैं फ्रेंड ये जो बोर है, बोर में इस पिस्टन पकड़ लिया 4 नंबर का। दोनों बाजू से आपको दिखाते हैं, ये देख सकते हैं, देख सकते हैं फ्रेंड बाकी 3 नंबर का बोर, 2 नंबर का बोर और 1 नंबर का बोर ऑलरेडी आपको हमने दिखा दिया है। ये तीनों बोर सही है, खाली 4 नंबर का बोर में थोड़ा पिस्टन पकड़ा हुआ है, तो हम इसका पिस्टन रिप्लेस करेंगे और ये जो प्रॉब्लम है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। जैसा कि फ्रेंड आप देख सकते हैं हम इसका 4 नंबर का पिस्टन ओपन कर रहे हैं और ओपन करके देखते हैं कि उसे पिस्टन पकड़ा है कि नहीं पकड़ा है। अंसारी जी पकड़िए,
ये देख सकते हैं फ्रेंड, हमने चार नंबर का पिस्टन ओपन किया है। ये चार नंबर का पिस्टन है, ये देख सकते हैं दोनों बाजू से, देखिए दोनों बाजू से पूरा पकड़ लिया है, ये साइड भी और ये साइड भी देखिए। दोनों बाजू से पूरा पूरी तरह से एकदम खा गया है, देख सकते हैं आप। इसके वजह से बोर में भी इफ़ेक्ट हुआ है, तो हमें बोर भी चेक करना पड़ेगा। ठीक है फ्रेंड, इसी तरह हम बाकी भी तीन पिस्टन निकाल के चेक करेंगे कि वो तीनों पिस्टन पे भी किसी प्रकार का कोई इफ़ेक्ट हुआ है क्या। हाय फ्रेंड, जैसा कि आप देख सकते हैं हम आज XUV 500 का इंजन असेंबली कर रहे हैं। ये हमने क्रैंक फिट कर दिया है, अब इसके ऊपर का कैप हम फिट करेंगे। फ्रेंड, हमने क्रैंक को पूरी तरह से फिट कर दिया है, टाइट कर दिया है। इसमें हमने 70 का टॉर्क मारा है, एलंकी के बोल्ट में 50 का टॉर्क मारा है। आप देख सकते हैं क्रैंक कितना फ्री एकदम मक्खन जैसा घूम रहा है। देख सकते हैं, देख सकते हैं फ्रेंड, ये हमने इसका चारों पिस्टन चेंज कर दिया है। ये इसके चारों नए पिस्टन है और ये इसके जूने पिस्टन है। हम इसका पिस्टन रिंग भी रिप्लेस करने जा रहे हैं। ये देख सकते हैं फ्रेंड, ये इसका पिस्टन रिंग है, हम इसे भी रिप्लेस करेंगे। ये देख सकते हैं फ्रेंड, ये इसका नया पिस्टन रिंग है जिसे हमें चारों पिस्टन में अभी फिट करेंगे और उसके बाद आपको दिखाएंगे ब्लॉक में ठोक के। देख सकते हैं फ्रेंड, ये इसका ऑयल रिंग है, ये इसका ऑयल रिंग है फ्रेंड, इसका टॉप का रिंग है और ये बीच का रिंग है। ये देख सकते हैं फ्रेंड, ये इसका ऑयल रिंग है। इसको कभी भी पिस्टन भी बिठाते समय, ये देख सकते हैं इस पर यहाँ लिखा हुआ है, इसको कभी टॉप पोजीशन पे रखिएगा ऑयल रिंग का। और ये इसका हाई कंप्रेसर रिंग है, इसमें भी आप देख सकते हैं टॉप पोजीशन लिखा हुआ है, इसको भी आप टॉप के साइड रखिएगा। और ये इसका लो कंप्रेसर रिंग है, इसे भी टॉप लिखा हुआ है, ऊपर के साइड रखिएगा। ये देख सकते हैं फ्रेंड, हमने नया रिंग भी बोर के अंदर डाल के इसका गैप चेक किया है। आप देख सकते हैं इसका थिकनेस कितना सा गैप है, एकदम बारीक सा गैप है, नहीं गैप रहना चाहिए।
इसके लिए हमने इसको रिंग बोर में बिठा कर भी चेक कर लिया है पिस्टन में बिठाने से पहले। 0.25 mm से लेके 0.15 mm देख सकते हैं फ्रेंड, इसका जो गैप का mm है वो 0.25 से लेके 0.15 तक रहना चाहिए। इसको हमने पिलर गेज से चेक किया है, ठीक है। आप कभी फिट करेंगे तो इसका जो 0.25 से लेकर के 0.15 तक ही रखिएगा। अगर उससे ज़्यादा रहेगा तो आप इसका जो स्लू है बोर का उसे लेथ पे चेंज कर लीजिएगा। ये देख सकते हैं फ्रेंड, हम इसका पिस्टन रिंग बिठा रहे हैं। ये इसका लो कंप्रेसर पिस्टन रिंग है। ये आपका सेकेंड नंबर के पोजीशन में आएगा लो कंप्रेसर रिंग। बैठने को भाई मत। देख सकते हैं फ्रेंड, ये हमने ऑयल रिंग बिठा दिया है। अब इसका सेकेंड नंबर का रिंग लो कंप्रेसर रिंग बिठाएंगे। बिठाते समय कभी भी रिंग के ऊपर टॉप पोजीशन लिखा रहता है उसको ऊपर के पोजीशन में रख के बिठाइएगा। देख सकते हैं फ्रेंड, ये हमने सेकेंड नंबर का रिंग भी बिठा दिया है। अब इसका टॉप का रिंग बिठाएंगे जिसे हाई कंप्रेसर रिंग बोलते हैं। ये देख सकते हैं लिखा हुआ जो है उसे हमने टॉप पे रखा है। रिंग में टॉप भी लिख कर आता है तो आप उसका ध्यान दीजिएगा। देख सकते हैं फ्रेंड, ये हमने तीनों रिंग बिठा दिया है। अब इसी तरह हम बाकी तीन पिस्टन का भी रिंग बिठाएंगे। इसके बाद हम आपको ब्लॉक में फिट करके पिस्टन दिखाते हैं आगे के वीडियो में। फ्रेंड, हमने एक नंबर का पिस्टन लिया है, अब इसे हम ब्लॉक में फिट करने जा रहे हैं। आपको फिट करके दिखाते हैं। आप रिंग का पोजीशन देख सकते हैं। जो लो कंप्रेसर का जो कट रहता है हमने उसे ऊपर के साइड में रखा है और जो हाई कंप्रेसर का रहता है उसके अपोजिट साइड नीचे रखा है। आप इसको कभी भी आमने सामने मत रखिएगा कट टू कट, नहीं तो ऊपर आयल चढ़ने की संभावना है जिससे आपका ब्लॉक भी जल्दी खा जाएगा और रिंग भी जल्दी खा जाएगा। तो इसके लिए कभी भी आमने सामने मत रखिएगा।
इसका कैप दो। जैसा कि फ्रेंड आप देख सकते हैं, ये इसका कनेक्टिंग का बैरिंग का कट है और ये इसका कैप का कट है। ये जो कट है, ये बैरिंग का जो की देख सकते हैं आप इसके साइड में, ये कट टू कट। इसके सामने कभी भी आप कैप बिठाइएगा, इसको उल्टा मत फिट कीजिएगा। देख सकते हैं हमने कट टू कट हमने सामने रखा है। देख सकते हैं फ्रेंड, ये हम आपको इसका प्ले करके दिखाते हैं। देखिए, अगर आपने कैप पलटी करके लगा दिया तो इसमें प्ले नहीं आएगा, और अगर आपने कभी बाई चांस गलती से कैप उल्टा लगा दिया तो आपका जो क्रैंक है पूरा खा जाएगा, बैरिंग भी खा जाएगा। तो कभी भी इस बात को ध्यान दीजिएगा कि कैप का जो कट टू कट है वो आमने सामने रखिएगा, और ये प्ले होना चाहिए इसमें। कभी भी आप जब कैप टाइट करते हैं तो इसमें प्ले होना चाहिए कनेक्टिंग में। अगर प्ले नहीं रहेगा तो आपका पूरा क्रैंक भी खा जाएगा, बैरिंग भी खा जाएगा। तो इसी प्रकार हम चार देखा। ठीक है फ्रेंड, ये एक नंबर का पिस्टन है, इसी तरह से हम चारों पिस्टन इसमें फिट करेंगे और उसके बाद से इस इंजन को असेंबली करेंगे। इसका चैम्बर वम्बर लगाएंगे, हेड लगाएंगे, टाइमिंग कवर ओवर टाइमिंग चैनल सब लगाएंगे, उसके बाद आपको ये गाड़ी हम फाइनल करके बताएंगे। जैसा कि फ्रेंड आप देख सकते हैं, हमने एक नंबर का पिस्टन और चार नंबर का पिस्टन ठोक दिया है, और दो नंबर तीन नंबर का भी प्रक्रम घुमाइए घुमाइए दो नंबर का ऊपर लीजिए। ये हमारा दो नंबर का, ये तीन नंबर का पिस्टन है, हमने चारों पिस्टन ठोक दिया है। अब हम इसको, इसका जो कनेक्टिंग का कैप आता है वो आपको दिखाते हैं। ये देख सकते हैं फ्रेंड, एक नंबर का कनेक्टिंग का कैप है, इसमें कभी भी आप, ये हमने प्रॉपर फिट कर दिया है, इसे कनेक्टिंग का बोल्ट भी टाइट कर दिया है। इसमें कभी भी ये जो साइड प्ले है ये रहना चाहिए, कभी भी आप जब पिस्टन फिट कर देंगे तो साइड प्ले चेक कर लीजिएगा, और इसमें ऐसा ऊपर नीचे प्ले नहीं रहना चाहिए। आप देख सकते हैं हमारे में ऊपर नीचे प्ले नहीं है। अगर ऊपर नीचे प्ले रहेगा तो आपके क्रैंक या तो माइनस हो गया रहेगा या तो कनेक्टिंग रॉड में प्रॉब्लम रहेगा, तो कभी भी आप ये चेक कर लीजिएगा। आप देख सकते हैं एक नंबर का है, चार नंबर का है, तो देख सकते हैं इसमें भी साइड प्ले है, ऊपर नीचे प्ले नहीं है। दो तीन का लाइए और घुमाए और थोड़ा और थोड़ा। ये देखिए, ये दो नंबर का है, देख सकते हैं साइड प्ले, ऊपर नीचे हमारा प्ले नहीं है, देख सकते हैं। ये तीन नंबर का है, इसमें भी किसी प्रकार का ऊपर नीचे प्ले नहीं है। ठीक है फ्रेंड, तो इतने बात को याद रखिएगा, साइड प्ले चेक कर लीजिएगा, साइड प्ले होना चाहिए। अगर साइड प्ले आपका नहीं रहेगा तो आपका क्रैंक खा जाएगा और बैरिंग भी खा जाएगा। हमने इसका ब्लॉक नट ठोक दिया है, बाकी साइड में जो भी पीस आता है पंप वम्प ये सब असेंबली कर दिया है। अब इसका हम हेड लगाने जा रहे हैं, ये हेड गैस्केट है, इसे भी हमने चेंज किया। आप देख सकते हैं नया हेड गैस्केट है, इसे भी हमने चेंज किया। अब इसमें हम हेड डालने जाएंगे, सबसे पहले तो आप वही गैस्केट बिठाएंगे। ये ऑयल का लाइन आप देख लीजिएगा, इसका ऑयल का लाइन है, कभी भी ओपन रहना चाहिए। अब हम आपको हेड बिठा के दिखाते हैं। हेड का बोल लो, जैसे फ्रेंड देख सकते हमने हेड बिठा दिया है। अब हम इसका हेड का बोल्ट डालेंगे, देखिए लगा रहे हैं, ऊपर रखो। एक बोल्ट डालो,
हमने इसका इंजन टाइमिंग भी बिठा दिया है, देख सकते हैं इसमें दो टाइमिंग चेन आता है, एक ऊपर के लिए, एक पंप से लेकर क्रेन के लिए, और दो टेंशनर भी आता है, हाइड्रोलिक टेंशनर, एक ये वाला है, एक ये वाला है। हम इसका आपको टाइमिंग बताते हैं, देख सकते हैं फ्रेंड ये इसका कैम का कट का पोजीशन है, ये जो छोटा सा कट है इसको कभी भी टॉप पे रखिएगा, और ये बड़ा वाला जो है ये नीचे साइड रखिएगा। कैम का टाइमिंग का पोजीशन हम आपको बता रहे हैं, ये देख सकते हैं फ्रेंड ये इसका हमने क्रैंक लॉक किया है, ये हमने क्रैंक लॉक करने के लिए बोल्ट को ग्राइंडिंग करके बनाया है। ये इधर से आप लंकी खोल के इसका देख सकते हैं, कट एकदम सामने है, एक कट में हमने इसको लॉक किया है, और ये इसका दोनों कैम का कट है, देख सकते हैं आप, ये दोनों जो ग्राइंडिंग किया है इसको टॉप पे रखिएगा, ये दोनों, ये कैम का टाइमिंग है, और ये साइड में भी दोनों कट है, ये दोनों कट आमने सामने, और ये टॉप पे रखिएगा दोनों कैम का। ठीक है फ्रेंड, जैसा आप देख सकते हैं ये साइड का कट है, ये टॉप का कट है, ये दोनों टॉप का कट आमने सामने ऊपर टॉप पे रहना चाहिए। ठीक है फ्रेंड, ये हमारा टाइमिंग तैयार हो चुका है, अब हम इसका टाइमिंग कवर फिट करेंगे, और बाकी जो भी साइड के पार्ट्स आते हैं उसे फिट करके असेंबली करके फिर शाम तक इंजन चढ़ाएंगे। तो फाइनली फ्रेंड आप देख सकते हैं हमारा इंजन जो है पूरी तरह से असेंबली हो चुका है, और हमने अभी अभी इसे बॉडी में फिट भी किया है, ये देख सकते हैं हम इंजन माउंटिंग का जो बोल्ट आता है उसे फंसा कर टाइट कर रहे हैं, और गियर माउंटिंग के साइड का भी बोल्ट हमने फंसा दिया है, आप देख सकते हैं 16 नंबर का दो आता है, अब हम इसका रेडिएटर लगाएंगे, ऑयल फिल्टर लगाएंगे, और उसके बाद फाइनल टाइट करके और उसके बाद गाड़ी स्टार्ट करके आपको दिखाएंगे। देख सकते हैं फ्रेंड ये इंजन रैम हमारे पास है हाइड्रोलिक वाला है, जिसके थ्रू हमने इंजन को देख सकते हैं फ्रेंड चेन पुलर, इसके द्वारा हमने इंजन को चढ़ाया है चेन पुलर के द्वारा। जैसा कि फ्रेंड आप देख सकते हैं हमने एक्सयूवी का इंजन बॉडी के अंदर चढ़ा दिया है, देख सकते हैं आधे से ज़्यादा हमने इसे कंप्लीट भी कर दिया है, इसका नोजल वोजल जितना वायरिंग आता सब फिट कर दिया है, देख सकते हैं हमने चारों नोजल भी फिट कर दिया है, इसका वायरिंग ऑयल फिल्टर अल्टरनेटर वेटर जितने पार्ट आते हैं सब फिट कर दिए हैं। देख सकते हैं फ्रेंड स्टार्टर हमने इसका ऑयल फिल्टर भी रिप्लेस किया है, इसका इंजन ऑयल भी रिप्लेस करेंगे, देख सकते हैं आप। अब हमें खाली रेडिएटर इसका लगाने का है, रेडिएटर लगाने का है, टॉप का हॉस पाइप लगाने का है, और इनर का हॉस पाइप लगाने का है, आप देख सकते हैं जो ऊपर का हॉस है नीचे का हॉस है जो रेडिएटर के बॉटम में लगता है, इधर रेडिएटर है, हमने रेडिएटर को भी पानी मार के क्लीन कर लिया है,
अब हम इसका रेगुलेटर लगाएंगे। ठीक है फ्रेंड, अब इसका हम रेगुलेटर लगा के और पानी डालकर ऑयल डालकर उसका स्टार्ट करके आपको दिखाते हैं इसका जो कंप्लेन था कस्टमर का टक टक वॉच का वो सॉल्व हुआ है कि नहीं। हाय फ्रेंड, जैसा कि आप देख सकते हैं हमारी महिंद्रा की एक्सयूवी गाड़ी पूरी तरह से तैयार हो चुकी है। इसका खोला था, पूरी सारी तरीके से फिट कर दिया गया है, आप देख सकते हैं। इसका हम व्हील अभी लगा रहे हैं, व्हील लगा के गाड़ी डाउन करते हैं और उसके बाद आपको स्टार्ट करके इसका फायरिंग कैसा फायरिंग है और जो पहले जो कंप्लेन था टक 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 जो आवाज़ आ रहा था वो अभी आ रहा है कि नहीं आ रहा है आप सुन सकते हैं इसका साउंड। अभी हम आपको स्टार्ट करके तो सुनाते हैं। जैसा कि फ्रेंड आप देख सकते हैं ये हमारी गाड़ी पूरी तरह से तैयार हो चुकी है, हमने इसे डाउन पोजीशन पे भी ले लिया है। अब हम इसका गाड़ी स्टार्ट करते हैं, आपको इसका फायरिंग सुनाते हैं। अंसारी जी जरा गाड़ी चालू कीजिए, न्यूट्रल चेक कर लीजिएगा। स्टार्ट कीजिए, ये सुन सकते हैं फ्रेंड आप इसका साउंड और फायरिंग। रेस कीजिए, देख सकते हैं फ्रेंड जो हमारा कंप्लेन था टक 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 वाच का वो सॉल्व हो चुका है। अब इस गाड़ी का हम जरा एक लंबा टेस्ट ड्राइव लेंगे। देख सकते हैं फ्रेंड कितना स्मूथ फायरिंग है इसका, हमने इसका इंजन ओवरऑल किया है। अब इसका हम टेस्ट ड्राइव लेते हैं, टेस्ट ड्राइव लेने के बाद उसके बाद गाड़ी को हम पूरी तरह से वॉश करके और इसको कस्टमर को डिलीवरी कर देंगे। अब हम इसका एक टेस्ट ड्राइव लेते हैं।